अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवाती टू यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं डिटॉक्स डर्मा क्लियर रोज क्ले मास्क से। ये मैं कहती हूँ कि जब गर्मियाँ होंगी ना, फुल जून जुलाई वाला मौसम, आपने ये एक ले लेना है। जब गर्मी लगी ना, आपने उसको मुँह पे लगा लेना है। मतलब ऐसी ठंडक मिलती है कि बंदा कहता है कि बस जैसे बंदा ना कोई हवाओं में चला गया। आज कोई कमाल की ठंडक है इसमें। अब जी दोपहर हो चुकी है, तकरीबन 2:10 पड़े हैं, तो अब मैं ये खाने लगी हूँ उनका पराठा। इसका साइज आप चेक कर सकते हैं, ये बनाया मेरी बड़ी बहन ने, रुमिशा ने। LOM उसका यूट्यूब का चैनल है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अभी पराठे की हालत देंगे, मतलब कि मेरा हाथ अच्छा खासा बड़ा हाथ है मेरा, मतलब कि मैं ऐसे भी करूँ ना, और ये मतलब एक ये देखिए, अल्लाह माफ करे, इतना बड़ा पराठा है मेरा हाथ, इतना बड़ा मेरा हाथ है, इतना बड़ा, मतलब वीडियो में ना लगे, लेकिन अभी पराठे का साइज देख लिया कितना है। स्टील की ग्लास को नीचे किसी ने कमेंट करना, स्टील ग्लास पानी पीने, हमें कहा मुझे स्टील ग्लास में पानी पीना ज्यादा अच्छा लगता है, कांच के ग्लास पानी थोड़ा ज्यादा होता है, मुझे ज्यादा ज्यादा पानी पीने के एक साथ, मैं इसलिए स्टील का ग्लास प्रेफर करती हूँ खुद पानी पीने के लिए। वैसे हमारे घर कांच के भी हैं, कोई बात नहीं। फिर जी हमने रोटी बनाई और हमारा अचानक से प्लान पड़ा कि हम लोग ना जुमे बाजार और ना जाते हैं लंडे पे, क्योंकि मतलब खाला लोग आए हुए थे ना, और खाला कह रहे थे कि हम लोग ना यहाँ पर देख रहे थे आपका कैसा लगता है, और हम लोग यहाँ पर गए और यहाँ पर इतने अच्छे जूते थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब कि जो सैंडल आप देख रहे हैं ना मेरे, हमें ये मैं लेकर आई थी इनसे, और हम लोग ना यहाँ पर बहस कर रहे थे कि नहीं भाई ये 200 का और ये 100 का और ये 150 का हमें देना है, और यहाँ पर मतलब के रेट्स इतने ज़्यादा हाई बता रहे थे कि जिस तरह से ना मतलब लोकल मार्केट ना ये लोग ना कोई ब्रांड लगा कर बैठे हैं। मतलब यहाँ पे मैंने एक बैग देखा छोटा सा था यूनिकॉर्न वाला, और उनसे पूछा कि प्राइस की क्या है, तो आगे से सेट के ना ये तो मैं आपको दूंगा 500 का। मैंने कहा भाई 150 का दूंगी मैं, और वो कहता कि भाजी आप इसको रख दो और आप आगे जाए। मैंने उसको रखा वहाँ पर, और फिर यहाँ से हम लोगों ने ना मतलब कि 3-4 जूते लिए, और फिर उसके बाद हम लोग आगे जुमा बाजार के लिए निकल गए। यहाँ से हम लोग देख रहे थे, यहाँ पर मार्केट का स्टॉप हो गया था, यहाँ पर ये बना रही थी चिखे जो होती हैं, मुझे अभी इनका नाम नहीं आ रहा है, इसको क्या कहते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर ये जुमा बाजार गए सिस्टर और खाला के साथ, और यहाँ पे मतलब कि हर चीज़ का जो रेट था ना वो 800-500 था। हम लोग को ना कुछ भी इस तरह का मिला ही नहीं, मतलब हम लोग कोई भी चीज़ देख रहे होते थे ना, तो वो या तो उसका कपड़ा मिक्स वाला होता था या तो उसका कपड़ा कोई ख़राब होता था। तो मतलब वो खाला कहती कि ना हम लोग को ज़्यादा समझदार होना चाहिए था, हम लोग जिस कपड़े को हाथ लगा रहे हैं ना, हम लोग कह रहे हैं कि ये मिक्स है, ये इस तरह से है, ये इस तरह से है। तो वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा दुनिया ले जा रही थी, चीज़ें लेते जा रही थी, बस यूँ करते कराते हम लोग को यहाँ पर 4 बज चुके थे, 4 बज के बस हम लोग फिर घर आए, घर आके मैंने कपड़े शपड़े ये भी ट्राई कर लिया, ये भी। तो जी मैं यहाँ पे आ गई हूँ तैयार होने के लिए, हर वक्त आपको बैठती कंपल ऐसे ही नजर आए। ये कभी नहीं था, मतलब मैं अपनी ज्वेलरी के बॉक्सेस लेके आई थी, जब बिंदिया लेके आई हूँ ऑप्शनल, अगर दिल किया तो लगाऊंगी, थोड़ी सी चूड़ियाँ पहनूंगी क्योंकि मेहंदी का रुक है ना, और इसके साथ देखूंगी कि और क्या पहनना है। ये थोड़ी सी ये मेरी ज्वेलरी है, इसमें थोड़ी सी मेरे पड़े हुए हैं इयर रिंग्स वगैरह, मैं देखती हूँ कि आज फ्रॉक के साथ कौन से इयर रिंग्स चलेंगे। ये ब्लैक कलर के उल्टे में भी, ये लॉन्ग में है, एक ये वाले पर्ल में है, एक ये वाले पर्ल में है। तो अभी हम देखते हैं कि ब्लैक के साथ मैं ये वाइट पहनूंगी या ब्लैक भी पहनूंगी, क्योंकि इसके साथ ये शॉल है ना, तो ये आपने मेरे इंस्टाग्राम पर देखा होगा सारे लुक को जो मैंने पहले जनरेट की थी। अब मैंने अपने बाल सोचा दोबारा कर्ल करूँ वही वाले उस दिन वाले ही, लेकिन आई नो कि आज वो वाले कर्ल्स कभी भी नहीं डलेंगे। ये देखिए मैं ट्राई कर चुकी हूँ पहले कर्ल्स डालने के, लेकिन नहीं डल रहे। तो मुझे पता था कि मैंने जब कहीं पे जाना होगा ना तब कभी भी ये कर्ल्स नहीं डलेंगे मेरे से, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है हमेशा से। तैयार होने के साथ साथ मैं ये खा रही हूँ, हम लोग लेकर आए थे जो भी गए थे, हम लोग जुम्मा बाजार वहाँ से लेकर आए थे, प्राइमर और बेस वगैरह को मिक्स करके ना ग्लास स्किन बनाते हैं ना। मैंने इसमें 2 से 3 बेस मिक्स किए हैं, एक तो मैंने किया ईशॉल मिनिक्स की, मिस रोज की, और एक मैंने की है मैक स्टूडियो की ओरिजिनल बेस, ठीक है। और इसमें मैंने ना बनाना पाउडर यूज किया है, ये शाइनर बनाना पाउडर था, ठीक है। तो मैंने इसमें हाईलाइटर एड नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी शाइनर था, और इसमें मैंने ना किया है प्राइमर यूज, मैं आपको दिखाती हूँ। इस सेंस का मैंने प्राइमर यूज किया ये, ठीक है, ब्लैक डे वाला, ब्लैक क्ले वाला सॉरी। और ये कुछ इस तरह से बन रही है, अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ, फिर फेस पे अप्लाई करूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये हैक वाकई अच्छा है या नहीं है। वो हैक वाकई बहुत अच्छा था, और यहाँ पर साथ में किचन में गई थी तो पापा ने करेले बनाए हुए थे, आज पापा कहते आज खाना मैं बनाऊंगा। फिर यहाँ पर हम लोग मेहंदी के लिए गए तो मेहंदी की सारी प्रिपरेशन हो रही थी यहाँ। Oh, my God.
फिर जी यहाँ पर हम लोगों ने मेहंदी की थाल प्रिपेयर की है, उसमें कैंडल्स वगैरह लगाई और यहाँ पर दूल्हे की जो थी वो एंट्री हो रही थी ग्रूम की, और काफ़ी भीड़ लगी पड़ी थी लड़कों की भी और लड़कियों की भी, और मैं दूर खड़ी होकर वीडियो बना रही थी। फिर जी यहाँ पर जो दूल्हे की बहन थी वो उसको माशाल्लाह वाला वो जो टैग होता है वो पहना रही थी। और बस मेरा आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। सो होपफुली आप सब लोग मेरा ब्लॉग लास्ट में देखिएगा पूरा, और इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।